नमस्कार, मैं आशुतोष लिटोरिया, रनखेड़ा में स्वागत है आपका। संविधान लाइव यात्रा आज रनखेड़ा पधारी, बहुत अच्छा लगा मुझे साथियों। और आपको ये जो हमारे गांव के घर हैं और यहाँ का रहन सहन, रीति रिवाज, वो सब बताना और आपके भी साझा करने का मुझे अवसर मिल रहा है। आज आप देखेंगे कि हमारे ये जो पुराने मकान हैं, कम से कम 100 वर्ष से पुराने, यानी इस चीज़ को लेके कि जहाँ आज के सीमेंट के जो होते हैं, RCC के जो मकान होते हैं, उनकी एक निश्चित आयु है, पर इन घरों की, कच्चे घरों की कोई निश्चित आयु नहीं है। वर्षों से, चार पीढ़ियों से इस घरों में रहते आए हैं। हमारे दादाजी के भी, पिताजी के हाथों के ये मकान बने हुए हैं, मोटी मोटी दीवारें हैं, और इसके बावजूद आज भी ये बढ़िया तरीके से चल रहे हैं और हम लोग इसमें रह रहे हैं। और देखेंगे पहले कहाँ कवेलू होता था। इसकी एक बहुत अच्छी विशेषता होती है कि ये ठंडी में गर्म, वो गर्मी में ठंडे होते हैं। आप आज तो फिर बिजली की सुविधा हो गई है और रहने लगी है बिजली, पहले नहीं होता था, तो भी हम गर्मी में यहाँ बढ़िया बैठते थे। प्राकृतिक हवा आ रही है, यहाँ बैठे हुए हैं और बढ़िया तरीके से ठंडक भी महसूस करते थे। अब एक जरूर थोड़ा सा होता था कि पहले जैसे यहाँ ये लकड़ी के पटिए, इसके बीच में जो हम पटमा बोलते थे वो लगा होता था, ये बैठक होती थी, ये बैठक है, ये इसको हम बंगला बोलते थे। बंगला, जैसे जब कोई वशिष्ठ अतिथि आता था तो हम इस बंगले में बिठालते थे। यहाँ नीचे एक गद्दा बिछा होता था और दादाजी लिखा पढ़ी भी जो होती थी, हिसाब किताब पेटी के मजदूरों के, तो वो उस पर बैठ के करते थे। तो आजकल जरूर ये पानी से जो पटमा जो थोड़ा थोड़ा ख़राब होने लगा था, तो हमने ये प्लास्टिक का कवर लगा दिया, तो वही पुराना जी, उसमें भी हम आधुनिकता का समावेश कर रहे हैं। आइए हम अपना आगे का घर भी दिखाते हैं। ये है हमारे घर का बाहर। देखो, घरों में दो आंगन होते थे, किसी घर में दो आंगन है तो उसको एक को आंगन, ये बाजू वाला हमारा आंगन होता है, और इसको बोलते थे हम बाखर, है ना। तो ये बाखर होते थे, यानी हर एक कमरे के नाम भी तय होते थे कि कहीं किसी को, इसको हम पहले बोलते थे, ये ढलान पे होता था, इसको ढालिया बोलते थे, कहीं कमरे का अलग नाम है, कहीं कुछ और नाम है। ये देखिए, आइए, ये हमारे यहाँ तुलसी जी का क्यारा, ये हमारे घर का पानी का स्रोत का एक कुआ है। इसमें से हम पानी निकालते थे, पहले इसका पानी हम पीते भी थे, और आजकल जरूर अब ये जब धीरे ये बोर की संख्या बढ़ने लगी तो पानी का लेवल थोड़ा सा, तो कुएं गर्मी के दिन में सूखने लगते हैं, ये समस्या भी आने लगी है, तो हम लोगों ने बोर करा लिया है। तो पहले हमारा कुआ पूरे घर का पानी का पूर्ति करता था। हमारे पुराने घर, ये हम साल भर में एक बार जब बारिश आती है तो उसके पहले कुछ कुछ जगह ऐसा होता है कि कहीं बंदर कूद गए हैं बिल्ली के कारण या कुछ भी, जैसे अभी पिछले दिनों ओलावृष्टि में हमारे बहुत सारे कवेलू हो गए थे, तो हम इसको कवेलू को, इसमें भी अलग अलग वैरायटी होती है, जैसे ये अंग्रेजी कवेलू बोला जाता है इसको, ये अलग प्रकार के, ये बंगला कवेलू बोलते हैं, ये अंग्रेजी कवेलू बोलते हैं, एक और कवेलू का प्रकार देसी भी होता है, वो भी हमारे पुराने गाँव पे रहते थे। ये क्या, जब थोड़ा सा कुछ हम अच्छा उस टाइम मॉडर्न कर रहे थे तो उसमें ये अंग्रेजी कवेलू के घर आते थे। तो अब जरूर वर्तमान में बड़ी समस्या आने लगी है कि ये आसानी से नहीं मिल पा रहा है इनको, जो यानी बनाने का, पहले क्या होता था कि गांव में दुकान होती थी और उस पर आसानी से मिल जाता, अब धीरे 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 जब छत पक्की छत हो रही है, लेंटर डल रहे हैं, तो ये सब चीज़ों की दिक्कतें आ रही हैं कि उस टाइम हमको ये महंगे लेना पड़ता है और आसानी से मिल नहीं पा रहा है, ये बड़ी एक समस्या उभर रही है। जैसे भी हमारा गेहूँ कट गया है,
ये हमारा गेहूँ रखा है, हमारा ये एक आंगन ये भी है, ये देखिए गेहूँ रखा हुआ है हमारे घरों में। अब क्या होता है कि कुछ कुछ उस पर हाथ से भी कटाई, जैसे चने को आज भी हम है ना हार्वेस्टर जो कंबाइन है उससे नहीं कट पाता है, या कट पर बड़े लेवल पे छोटे किसान जो हैं जिन्होंने 1 एकड़ 2 एकड़ में बोया है तो हाथ से काटना पसंद करते हैं। एक तो कारण होता है कि चने बहुत यानी पेड़ के पौधे के नीचे तक होते हैं तो वो आसानी से अच्छा कट जाते हैं, उसको निकालने में सहूलियत होती है, नुकसान कम होता है, और छोटे किसान कंबाइन का खर्च नहीं तो वो अपने खेत को आसानी से काट लेता है। पर बड़े लेवल पे अब हमारे यहाँ भी जो कटाई है वो हार्वेस्टर कंबाइन से होने लगी है। अब एक चीज़ पहले हमारे यहाँ होता था कि ईंधन के लिए हम ओपले का उपयोग करते थे। आपको देखेंगे कि ये जो ठंडी के दिनों में पूरे साल भर के लिए हम लोग इसको कंडे भी बोलते हैं, ओपले भी बोलते हैं, तो और इनका भी अपना अपना स्टाइल अलग अलग साइज होता है। कोई गोल बनाया जाता है और इसको क्या कहते हैं कि गोबर को इकट्ठा करके उसको मार के, और कुछ लोग दीवार पे भी इसको करते हैं, कुछ लोग ज़मीन पे भी करते हैं, उसका भी एक गोल होता है, एक इस तरीके का होता है। तो ये साल भर हमारे चूल्हे जलाने के काम आते हैं। अब जरूर गाँव में भी व्यवस्था की बायोगैस का भी हो गया है कि उससे भी, बाकी LPG ने बड़े स्तर से लिया है। जैसे आप देखिए, आप एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हम लोग अभी गर्मी में सब्जियों के लिए खुद पे आत्मनिर्भर होंगे, हमारी सब्जियां लग गई हैं, लौकी के पौधे लग गए हैं, अब हमें सब्जियां मिलेंगी। अब हमारे घर में 2 कुएँ होते थे, एक कुआ ये भी है, तो ये जैसे हम लोग गांव में बहुत लंबा चौड़ा घर होता था, ये देखिए ये पीछे तक घर, ये हमारी लकड़ी की व्यवस्था है, ये खाद होता था जो गोबर का खाद वो उधर रखा हुआ है। जैसे कबेलू का मैंने अभी पीछे जिक्र किया था कि कबेलू आसानी से नहीं मिल रहे हैं आजकल, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये लगा लेते हैं, इनको बहुत यानी संभालने की ज़रूरत नहीं होती है, एक बार लगा दिया तो कई दिनों तक फिर देखने की जहाँ से फूटते नहीं है, बस सीमेंट की चादरों का ज़रूर रहता है कि कई बार वो टूट फूट जाती हैं, तो लोग ये लोहे की चादर लगाना पसंद करते हैं। बाकी कबेलू, इनकी अपेक्षा कबेलू के घर ठंडे होते हैं, गर्मी में जो होते हैं उनमें ठंडाई होती है, ये तपस ज़्यादा होती है इनके अंदर, धपन होती है, और कबेलू में वो चीज़ की कमी होती है। पर कबेलू का थोड़ा सा वो समस्याएं आ रही हैं कि मिलते नहीं हैं, ज़्यादा उनको देख रेख की आवश्यकता होती है, वो सबकी एक हमारे बहुत बड़ी समस्या आ रही है कि पशुओं की नस्ल में एक तरीके की पुराने जो यानी उनको प्राकृतिक हरा चारा मिलता था, अब हरे चारे यानी खुले जंगल नहीं रहे हैं, सब लोगों ने नई आधुनिक मशीनें आ गए हैं तो हर एक जो पड़त ज़मीन थी उसको बना लिया है, खेती करने लगे हैं बड़े स्तर पे, तो पशुओं की चारागाह पूरी तरह नष्ट है। तो चारागाह नष्ट हुई तो अनेक प्रकार के जो उनको चारे मिलते थे उससे तो दूध के कारण पशुओं को आवारा छोड़ने लगे, लोग घर से बाहर भगाने लगे, तो जो आवारा पशुओं की समस्या आ गई है तो ये भी एक बड़ी है। और अभी जैसे आपने जिक्र किया कि नरवाई की, तो हमारे यहाँ क्या होता है कि अब हार्वेस्टर से कटिंग होने लगी और भूसा जो कुछ जानवर रखे हुए हैं उनके लिए भी भूसा मशीन आ गई है, भूसा मशीन। अभी जो नरवाई की जलाने की भी एक समस्या है, तो हमारे यहाँ तीसरी फसल के रूप में मूंग आ गई है, और मूंग की बोनी जो हमें बहुत जल्दी में करना होता है क्योंकि एक निश्चित समय 60 दिन की फसल होती है, तो हर एक यानी 60 दिन में हमें समय भी, क्योंकि बारिश आ जाती है तो हर एक दिन कीमती होता है, तो हम लोग किसान क्या कर रहा है, वैसे उसका बहुत अच्छा तरीका है कि रोटर वीटर से उसको ज़मीन में मिला दें तो वो खाद बन जाए, पर किसान जल्दबाजी में होता है, वो अपना ही नुकसान कर रहा है तो खेत में आग लगा देता है और वो नरवाई जलाने लगा है। दुखद है ये, और ये भविष्य के लिए अच्छा नहीं है, पर अब क्या करें। तो ये दिखाया मैंने अपने गांव हिरनखेड़ा की के अपना जो घर, हमारा पुराना घर, और आज भी हम लोग इसमें खुशनुमा ज़िंदगी जी रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है, खुलापन होता है, आंगन बाखर पीछे का भी खुला हुआ माहौल और प्राकृतिक का आपने देखा कि फसल भी है, पशु भी हैं, सब्जियां भी हैं, पेड़ भी हैं, पौधे भी हैं, और उन सब के बीच प्राकृतिक वातावरण के बीच आज भी हम लोग गांव में रह रहे हैं। और बहुत आपका शुक्रिया कि आपने हमारा ये सब साझा करने का अवसर मिला आपके साथ, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब बहुत पसंद आया होगा।